दोस्तों, आपने सही देखा थंबनेल पे कि मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं कि मैं वीडियोस कैसे और कहां बनाता हूं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह सुबह मैं उठा, मैं शहरी करके मैं नमाज़ पढ़ के फिर टहलने गया, तो एक आदमी जा रहा था मेरे गांव के बगल में ही, साइकिल लेके जा रहा था मजदूरी करने। मैं जैसे बाग के पास पहुंचा, उसके जो साइकिल का चमचा होता है, जो चमचा बोलते हैं, वो टूट जाता है, और टूट जाता है वो आदमी गिर जाता है। फिर वो आदमी सोचता है कि अब मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उतनी टाइम कोई पंक्चर या कोई साइकिल बनाने की दुकान भी नहीं खुली रहती है। और वो इंसान क्या करता है कि साइकिल को अपने कंधे पे उठाता है और ले के जहाँ वो जाना रहता है मजदूरी करने, मतलब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, वो आदमी जाने लगता है। रास्ते में पता नहीं उसकी साइकिल बनती है या नहीं बनती है, या वो साइकिल अपनी मंजिल तक ले के पहुँच जाता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन उस इंसान की जो मैंने मेहनत देखी, जो कंटिन्यूटी देखी, वो मुझे बहुत ही एनर्जाइज की, इनक्रेज की। इसीलिए मैं, ऑफिस बंद है, ट्रेनिंग्स बंद है, सारे ऑफिसेस, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूशंस बंद है, लेकिन मेरी मेहनत, मेरा काम आज भी बंद नहीं है। ऑफिस वो वाली बंद हो गई तो मैंने घर में कच्चे कमरे में, मिट्टी के कमरे में ही ऑफिस बना डाली। अगर वहां की चीजें बंद है, बाहर की चीजें बंद है, तो मैं घर में ही बाहर की चीजों को ला के रख दिया हूं, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं, मानता हूं कि कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नेवर स्टॉप इन योर लाइफ। तो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि मैं वीडियोज कहाँ और कैसे बनाता हूँ। वीडियो अंत तक देखिए, आखिरी तक देखिए कि मैं आपको क्या क्या शेयर करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। मैंने यहाँ कुछ, यहाँ डोर से, गेट से एंट्री लेते ही मैंने कुछ यहाँ पे स्टिकर्स लगा दिए, मतलब मोटिवेशनल कोटेशंस के। ये मुझे इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, तो कभी कभी खड़े होकर यहाँ भी वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम, धीरे 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 आते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये मेरा थोड़ा सा ऑफिस का पार्ट है। ऑफिस का पार्ट मतलब कि ये बहुत छोटी सी ऑफिस है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि यहाँ मैंने कुछ किताबें रखी हुई है, कुछ किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूँ डेली, और ये डायरीज़ है मेरी, जो डायरीज़ पे मैं लिखता हूँ, मैंने पुरानी चीज़ें लिखी हुई है, सारी चीज़ें लिखी हुई है। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल लैपटॉप रख लिया हूँ, इसमें कुछ काम करता हूँ। और यहाँ मेरा तिरंगा, जो सबसे ऊँचा रहे हमेशा, तिरंगा टेबल पे रखने से पहले मैं अपने दिल में रखता हूँ, क्योंकि मेरा भारत ही मेरी शान है, मेरी जान है। उसके बाद मैं यहाँ पे, देखिए आपको पीछे ब्लैक सा कपड़ा दिख रहा होगा, काला कपड़ा दिख रहा होगा, मैं काला कपड़ा इसीलिए लगा दिया हूँ, कभी कभी मैं बैठ के कुर्सी पे वीडियो बनाता हूँ, कभी कभी खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ, तो काले कपड़े से थोड़ा वीडियो की क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी आती है और थोड़ा मज़ा आता है। इधर भी मैं अपने, देखिए, बैठने वाली चेयर लगा दिया हूँ कि मैं बैठ जाता हूँ, और कभी कभी कुछ इंटरव्यू का पार्ट करना रहता है अपने बहन भाई के साथ, तो थोड़ा यहाँ अगल बगल भी कुर्सी चेयर्स लगा दिया हूँ, यहाँ इंटरव्यू कर लेता हूँ। तो ये सारा थोड़ा सा मेरा छोटा सा पार्ट है, और यहाँ थोड़ा सा मेरा खूबसूरत वाला फ़ोटो भी है। तो अब मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा मैंने जो सेटअप तैयार किया, एक आपको मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा इधर पीछे भी दिखा दीजिएगा, इधर पीछे दिखा दीजिएगा, इधर इधर दिखा दीजिएगा। ये मेरा छोटा मिट्टी का कमरा है, मतलब रूम है। आप ये मत समझिएगा मैं बहुत अमीर इंसान हूँ या बहुत पैसे वाला इंसान हूँ, मेरे पास हर चीज़ है, ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें आप मत सोचिएगा। मैं बहुत गरीब छोटा मोटा इंसान हूँ, लेकिन मैं मानता क्या हूँ, मेरी सोच बहुत अमीर वाली है, बहुत बड़ी है, क्योंकि बिकॉज आई नेवर स्टॉप इन माई लाइफ, आई ऑलवेज थिंक अबाउट कंटिन्यूटी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कंटिन्यू रहूँ, हमेशा इस दुनिया में कभी भी रुकूँ ना, अपने काम को रोकूँ ना कभी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मैं माइक यूज़ करता हूँ, माइक ये है बोया का माइक, बोया का माइक लगभग आपको 1900 रुपये का, 1000 रुपये का, 800 रुपये के, 1100 रुपये के, जैसी कंडीशन है वैसे मिल जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आजकल मैं थोड़ा सा लाइट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये इधर भी थोड़ा सा रूम में भी लाइट लगा दिया, और ये थोड़ा सा लाइट है जो कि स्टैंड है, ये स्टैंड पे लाइट लगा दिया, और लाइट जो फोकस मारता है तो उससे चेहरा जो है अच्छा आता है थोड़ा सा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला क्या हूँ, पहले जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो मेरी वीडियो में कोई दम नहीं रहती थी, सिर्फ एक मोबाइल था मेरे पास, और कोई माइक भी नहीं था, कोई लाइटिंग भी नहीं थी, कोई सिस्टम भी नहीं था, सिर्फ मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता था, अपलोड करता था, बस बातें मेरी अच्छी रहती थी। दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहूँगा कि नेवर स्टॉप इन योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी रुको ना। आज दुनिया रुकी हुई है, लेकिन आप घर पे हो, आप किताबों को पढ़ सकते हो, आप घर पे हो, आप अपनी बॉडी को बना सकते हो, अगर आप अपना स्वास्थ्य सही करना चाहते हो, हेल्थ अपना अपने सही करना चाहते हो। मेरे दोस्तों, यू कैन नेवर स्टॉप इन योर लाइफ,
because you have a brand. You have a brand that is a brand for you. So just like that, you can study, you can read books, you can just, you know, make videos, you can sing music, you can do gym and exercise and make your body. मतलब आपके पास बहुत सारी opportunities और बहुत सारे मौके हैं जो आप जिंदगी में कर सकते हैं. सुबह मैंने वो आदमी को देखा तो साइकिल कंधे पे लटका के लेके चला गया अपनी मंजिल तक. उसी तरह से मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा. मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मैं कहाँ रूम में हूँ, कहाँ क्या हूँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं अपनी बातों को, अपनी वीडियोस को, अपनी मेहनत को कभी भी रोकूंगा नहीं. आप भी आज से उठ जाओ, कभी रुको मत और अपने आप को, अपने काम को लगातार रखो. थैंक यू सो मच पप्पा. थैंक यू.